अरे वाह, ज्यादा था, बहुत बड़ी गलती मैंने कर रहा। तो आज का जो ब्लॉग है ये कम्प्लीटली, मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोग को बोर्ड पे कुछ नज़र आएगा, देख लीजिए, वही जा रहा हूँ। तो सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, निकल रहा और नज़दीक पर पहुँचता हूँ। अब मैंने क्लू दे दिया है, बहुत ही ठंड है और आज है 30 दिसंबर, इस साल का अंतिम ब्लॉग, और मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगे। तो कुछ ऐसे जगह पर जा रहा हूँ, उस जगह को एक्सप्लोर करूँगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और डर लगता है किसी अकेले जगह पे जाने में। तो देखिए आप लोग इस ब्लॉग को, चलिए चलते हैं और वहाँ का एंजॉय करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ही अच्छी जगह पे जा रहा हूँ मैं और प्रकृति का सुंदरतम नज़ारा है ये। तो चलें, अभी से रास्ते को लीजिए, मिट्टी कम्प्लीटली लाल है और यही रास्ता जाती है टंडा फॉल की ओर। जमीन ऊबड़ खाबड़ है, बहुत समतल नहीं है, लेकिन हाँ रास्ता बहुत शानदार है, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे आप। तो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं फॉल पर। अब मैं आ चुका हूँ फॉल पर, टांडा फॉल, और ये रास्ते जो हैं एक्चुअली ये बाइक के लिए नहीं है, ये है कि आप पैदल इससे चल के जाएंगे फॉल के पास। तो अभी तो कम्प्लीटली खाली है और कितनी प्लास्टिक है दोनों साइड, मीन्स भाई कम से कम नेचर को तो थोड़ा सा साफ रखो। गले में हो गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलते हैं फॉल की ओर और ये रास्ते देख लीजिए, अरे वाह क्या शानदार नज़ारा है दोनों साइड। और इस जगह से जब पानी होता होगा, अभी तो पानी है या नहीं है देख लूँ, नहीं है, पानी होता होगा तो पानी पास करता होगा, बहुत ही शानदार सीन होगा। तो अभी चलिए नीचे चलते हैं और नीचे का लुत्फ उठाते हैं। मैंने तो हेलमेट भी नहीं खोला। क्यों, मस्त सीन है या नहीं है? हालांकि ये सूख गया है, बारिश होती तो पानी होता और यहाँ आ ही नहीं सकते थे, थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ से गिर रहा है। ऐसा नहीं कि पानी नहीं चल रहा, पानी चल रहा है, आप देख सकते हैं वाटरफॉल हो रहा है, लेकिन आप लोग भी हंसेंगे देख करके कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। क्या सुंदर नज़ारा है भाई साहब, ये फॉल देख लो आप। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, यहीं से पानी गिरता है। अभी भी कहीं ना कहीं से स्रोत तो बना हुआ, क्योंकि आवाज़ मैं सुन रहा हूँ तो स्रोत कहीं ना है, देख लीजिए आप। उस साइड से पानी ही गिरता है। इस समय में तो उतना मज़ा नहीं है, लेकिन यही अगर बारिश का समय होता तो प्रकृति का एकदम सुंदरतम नज़ारा यहाँ दिखाई पड़ रहा होता। वाह भाई, मन खुश हो गया। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। अब पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही शानदार है, कुछ फॉल पानी का वहाँ उधर से भी हो रहा है, चलिए देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ का सारा टूटा हुआ है ना, जब कभी नीचे गिरेगा तो बहुत भयानक होगा, नज़ारा ही कुछ अलग है। ये पूरा का पूरा रीजन ही टूट के नीचे गिर जाएगा।
यहाँ से भी वाटरफॉल हो रहा है। आवाज सुन रहे होंगे, अरे वाह ज़्यादा था, बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी, मुझे इस ढंग से नीचे नहीं उतरना चाहिए था, मैं नीचे गिर सकता था। संभल के थोड़ा चलते हैं और देखते हैं। हेलमेट में यही रहने देता हूँ, हेलमेट लेके नहीं जाऊँगा। तो थोड़ी ठंडी हवा तो है ही भाई, और मैं अभी और मैं हूँ इस फॉल पर, सन लग एकदम कम्प्लीटली मेरे चेहरे के ऊपर गिर रहा है, और बहुत ही सुंदरतम नज़ारा भाई। नेचर के साथ तो मज़ा ही कुछ और है। चलिए तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग बंद कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।